स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं फिजिक्स स्टूडियो चैनल और ये इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का 7th नंबर का वीडियो है जिसमें आप हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ पढ़ा अभी तक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बारे में समझेंगे। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाई पोल, डाई मतलब टू होता है, पोल मतलब पोल बेसिकली। सो मीन्स अगर दो चार्ज मिलकर, सपोज मेरे पास एक चार्ज ये है प्लस क्यू और एक चार्ज माइनस क्यू, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ भी है। सपोज यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है। ओके, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दोनों अपोजिट चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर कभी डाइपोल नहीं बनाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर कभी डाइपोल नहीं बनाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव ही हमेशा डाइपोल बनाते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो इसको हम लोग लिख देते हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टर्म डिफाइन करेंगे वो होगा डाइपोल मोमेंट। क्या है हमारा नेक्स्ट टर्म? डाइपोल मोमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, फिजिक्स में मोमेंट वर्ड कहीं भी आता है उसका हमेशा जो है कुछ ना कुछ रिलेशन डिस्टेंस से होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नए पेज पर आपको एग्जांपल देता हूँ। तो आपने पढ़ा होगा मोमेंटम। अब अगर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर पी से, अगर मैं इसके आगे ऐसे लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये हो जाएगा आर क्रॉस पी, मतलब किसी डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर दो उस फिजिकल क्वांटिटी को, तो आपको क्या मिलेगा? मोमेंट वर्ड उसमें ऐड हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ मोमेंट वर्ड आया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर, आर आ गया डिस्टेंस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपका डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्सिया का 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अच्छा, एक और बहुत फेमस क्वांटिटी है हम लोग इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब कि अगर मेरे पास फोर्स है, अगर उसको मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो ये आर क्रॉस एफ हो जाएगा। और इसका एक और नाम भी है, टॉर्क हम लोग कहते हैं इसको। ओके, तो कहने का मतलब है मोमेंट वर्ड कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी अगर मोमेंट वर्ड फिजिक्स में कहीं भी आता है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। ओके, किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पर मोमेंट वर्ड आ जाता है। अच्छा, तो चलो हम लोग अभी अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड, डायपोल सी डिफाइंड एज वर्ड बेसिकली मीन्स, सपोज इफ विल मल्टीप्लाई, चलो मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ। तो सपोज अगर मैं डाइपोल मोमेंट को अगर मैं लेटर पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये कोई भी एक चार्ज, आइदर नेगेटिव चार्ज ले लो या फिर पॉजिटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव चार्ज, कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है। अगर देखो दोनों चार्ज में तो डिस्टेंस कितना है, अब यहाँ पर सेंटर से यहाँ से देखोगे यहाँ से, तो ये ए डिस्टेंस पर है और यहाँ से ए डिस्टेंस, टोटल क्या हो जाएगा? टू ए डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टू ए डिस्टेंस। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
and its magnitude is either charge times the separation between two opposite charges, and the direction, most important line, hold on, direction is along the dipole axis from the negative charge to positive charge. ओके तो कहने का मतलब है कि डायपोल मोमेंट आप कैसे डिफाइन कर सकते हो. डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस एंड डायरेक्शन इज अलोंग द डायपोल एक्सिस. तो अभी देखो ये हमारा डायपोल एक्सिस है. कहाँ के डायपोल ये? हाँ ये हमारा डायपोल एक्सिस है. ओके डायपोल एक्सिस. अब देखो along the dipole axis but negative to positive होगा. देखो यहाँ इस तरफ से लेकर इस तरफ होगा. ओके तो आपका जो ये डायरेक्शन किसका होगा? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन. ओके रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा. ओके बट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पर आपको नोट करने वाली बात होगी. ओके तो चलो वेक्टर साइन है तो वेक्टर इस पर बना देते हैं. तो ये वेक्टर होगा और ये भी वेक्टर है. ओके तो अब अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ तो एक अच्छा डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पर. चलो एक चार्ज लेते हैं पहले. तो ये एक चार्ज प्लस क्यू, ये दूसरा चार्ज, ये दूसरा चार्ज लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस बना दिया. ओके ये दोनों के बीच में एक गड़बड़ हो गया. अब दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है ओके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है. ओके हमेशा फिजिक्स में डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं. तो ये अगर हमारा सेंटर है तो ये हमारा, अब इसको पहले चार्ज को सपोज ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है. ओके तो जो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा. ओके और 2a का डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा. 2a का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव. रिमेंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा. ओके तो अब यहाँ पर जो हम लोग क्लियरली डायपोल मोमेंट हम लोग समझ गए हैं. ओके तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल देखते हैं क्या होता है. इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल. फिर हमने क्या पढ़ा? डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट क्या होता है? द डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल is a vector whose magnitude is either charge times the separation between two opposite charges and the direction is along what? Negative charge to positive charge. So yahan par 2a ka jo 2a kya hai direction aapko 2a ka kya hoga? Negative to positive hoga. Okay iska best example hai aapka water ho gaya, hydrochloric acid ho gaya aur aapka jo hai ethanol ho gaya, theek hai, acetic acid ho gaya. ये सब जो है बेसिकली क्या हमारा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डायपोल्स के. ओके और यहाँ पर एक काम की बात यह है कि इसका हम लोग यूनिट देख लेते हैं. तो ये हमारा जो है पी है. तो और ये पी का यूनिट क्या? देखो अभी यहाँ पर चार्ज है तो उसका यूनिट कूलॉम होगा और ये टू तो नंबर है और ये क्या है? डिस्टेंस है. तो कूलॉम मीटर आपका क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा. ओके इतना आपको नोट करना पड़ेगा. तो ये हमारा डायपोल मोमेंट हो गया. ओके